और एक और बड़ी खबर इस बीच पाकिस्तान से ही आ रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा झटका। इमरान खान ने जो याचिका अपनी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। याचिका की प्रामाणिकता पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति है, यानी इमरान खान को अगर आज उम्मीद थी कि उन्हें नैप कोर्ट से कुछ रिलीफ मिले ना मिले, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकती है। गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई थी। ये कहा था कि उनको वारंट नहीं दिखाया गया, कोर्ट के अंदर से जबरदस्ती उनको उठा ले गए। और ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी हमजा आमिर पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमजा, क्या लेटेस्ट जानकारी है सुप्रीम कोर्ट से? गौरव, सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई ने केस फाइल किया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेने की सजा की थी कि हाई कोर्ट ने इमरान खान के अरेस्ट को लीगल करार दिया था, तो इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर, उसकी नॉन कंप्लीशन के ऊपर जो है एतराज लगा के वो पिटीशन उनको वापस कर दी है। तो इमरान खान के लिए अब जो है वो रिलीफ और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसके साथ ही जो है अदालत में भी तोशाखाना केस के ऊपर इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है, इन्वेस्टिगेशन होगी। ये एक ऐसा मामला है जिसपे इमरान खान बहुत टाइम से अपनी बेल करवा रहे हैं और इसमें वो अपीयर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इसी केस के अंदर ही वो डिस्क्वालीफाई हुए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और अब जो है इसका मामला अब आगे बढ़ेगा, उसके साथ साथ ही इमरान खान को लेके जो जो नैप कोर्ट का मामला है अल कादिर ट्रस्ट वाला, उसके लेके भी जो है वो वर्डिक्ट रिजर्व हो चुका है, फैसला महफूज हो चुका है और उसका भी अनाउंसमेंट अभी आ जाएगी। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट लग रही है, लगता ऐसा है कि रिमांड दे दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि इमरान खान को सब जेल के अंदर रखा जाएगा और उनसे नैप की कमेटी इस मामले के ऊपर भी इंक्वायरी करेगी। ये दोनों अच्छा हमजा, बहुत बहुत बड़ी मुश्किलें इमरान खान के लिए बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर हम तोशाखाना के ही मामले की बात करें, जिसमें इमरान खान पर आरोप तय कर दिए गए हैं, फर्द जुर्म उन पर तय किया गया है, इस मामले में, इसी मामले में वो डिस्क्वालिफाई हुए थे, तो क्या ये माना जाए कि जब भी चुनाव होंगे पाकिस्तान में, अब 15 मई को तो चुनाव होना संभव नहीं है, लेकिन जब भी चुनाव होंगे इमरान खान के लिए चुनाव लड़ना और मुश्किल हो जाएगा? हमजा, गौरव, अभी यहां पे पाकिस्तान में कहा भी है, जिस तरीके से इमरान खान को पब्लिक स्ट्रेंथ के ऊपर हरा नहीं पाई है और जो जो उन्होंने करने की कोशिश की है वो इमरान खान का नैरेटिव और इमरान खान की सपोर्ट तोड़ नहीं पाए हैं, तो अब जो है उनको हराने का तरीका एक ये है कि इमरान खान को इलेक्शन की रेस से ही बाहर कर दिया जाए, वो भी लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, करप्शन चार्जेस के ऊपर। ये वो चार्जेस हैं जो इमरान खान के ऊपर इससे पहले कभी लगे नहीं है, बल्कि इमरान खान ने अपने सारे मुखालिफिन के ऊपर ये सारे इल्जाम रखे हैं, उनपे केसेस बनाए हैं, उनपे केसेस चलाए हैं, इसी वजह से वो उनको चोर, लुटेरे और डाकू बोलते हैं। तो लगता ऐसा है कि अब इन मामलों के ऊपर जिसपे इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन तय लगती है, तो इमरान खान को डिस्क्वालिफाई करने का ही प्लान है।